सो फ्रेंड्स, ये मैंने ढेर सारे छोटे छोटे ये टुकड़े ले लिए हैं फैब्रिक के, और ये वो सारे फैब्रिक है जो हम लोग सूट और ब्लाउज कट करते टाइम जिसे हम लोग फेंक देते हैं, उसी फैब्रिक से हम सुंदर सा एक जैकेट बनाएंगे। और इसका जो माप है ये 2 इंच बाई 2 इंच का है, तो इसका मतलब आप समझ सकते हैं ये कितना छोटा छोटा टुकड़ा है। कई बार ऐसे होते हैं कि हम लोग सोचते हैं इतना छोटा छोटा टुकड़ों में से क्या बनेगा, फिर हम लोग फेंक देते हैं। लेकिन फ्रेंड्स, आप लोग यकीन नहीं करेंगे, मैं कभी फेंकती नहीं हूँ। मेरे पास 7 से 8 जो जम्बू प्लास्टिक होते हैं ना, वो भरकर मैं रख लेती हूँ, क्योंकि मैं कभी भी कुछ भी बना लेती हूँ तो मुझे काम में आ जाता है। तो फ्रेंड्स, अगर आप लोग भी इस तरह का नया नया आइडिया और जानना चाहते हैं कि हम लोग रिसाइकिल कैसे करें इन फैब्रिक का, तो जो लाल कलर का बटन है उसे दबा के आप लोग सब्सक्राइब कर लीजिए, और जो बेल आइकॉन है उसे भी दबा दीजिए, ताकि मैं जब भी कोई वीडियो डालूं सबसे पहले नोटिफिकेशन आप लोगों के पास पहुंच जाए। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे मैंने ये फैब्रिक ले रही हूँ, और आपको सिर्फ करना क्या है, आपको कॉन्ट्रास्ट में लेना है, एक ही फैब्रिक दो नहीं लेना है, आपको अलग अलग दो टुकड़ा लेना है ऐसे, और इन टुकड़ों को आपको आपस में जोड़ना है। बस यहाँ पे ऐसे, बस आपको जितने भी टुकड़े हैं सारे टुकड़ों को एक एक करके आपको जोड़ते हुए जाना है, बस ऐसे ही। सिर्फ आपको ये ध्यान रखना है कि दो टुकड़ा अलग अलग हो, एक ही फैब्रिक ना हो। और फ्रेंड्स, एक और बात, ये जो हम बना रहे हैं आपको ये कॉटन फैब्रिक से ही बनाना है, ठीक है। तो ये देख सकते हैं, ये मैंने सारे फैब्रिक को जोड़ लिया है और ये एक लंबा माला जैसा बन गया है। तो अब हमें इन सब को अलग करना है, तो ऐसे हम सिर्फ ये कट कर लेंगे ये सूता, और फिर सबको अलग कर लेंगे। तो ये हमने सबको अलग कर लिया। अब हम क्या करेंगे, एक ऐसे लेंगे और इसे पहले उंगली से ऐसे चाप लेंगे ताकि ये अच्छे से बैठ जाए, और फिर दूसरा फिर टुकड़ा लेंगे। और ये ध्यान रखना है कि हमें टुकड़ा अलग अलग लेना है, एक जैसा फैब्रिक हमें नहीं लेना है, ये ध्यान में रखना है। ऐसे अलग अलग लेना है और फिर ऐसे ऐसे लेना है, और फिर यहाँ से हम इसे ऐसे सिल लेंगे। फिर से हमें इसे अलग कर लेना है। लेने के बाद फिर से वही काम हमें करना है, पहले एक टुकड़ा लेना है और फिर इसके ऊपर हमें दूसरा टुकड़ा लेना है, और वही हमें ध्यान रखना है कि कलर हमें अलग अलग लेना है। जैसे कि यहाँ पे देखिए, 3 टुकड़ा एक जैसा ही है इनमें, लेकिन अगर हम इसे थोड़ा सा घुमा लेंगे तो फिर ये अलग अलग बन जाएगा, तो फिर हम इसे सिल सकते हैं। अगर हम ऐसे रखेंगे तो ये देखिए यहाँ पे अलग अलग हो गया, तो हम इसे ऐसे रखेंगे और फिर ये जितने भी टुकड़े हैं हम सबको आपस में जोड़ लेंगे, जब तक के हमें जितना बड़ा टुकड़ा चाहिए उतना बड़ा नहीं बन जाता।
तो ये देख सकते हैं ये कितना बड़ा मैंने ये सिल लिया है, मुझे जितना चाहिए ये उतना एकदम परफेक्ट बन चुका है। और ये दिखने में कितना अच्छा लग रहा है ना, कलरफुल एकदम। और सारे जो कपड़े फैब्रिक मैंने लिए है, ये साड़ी के सारे ब्राइट कलर है। और मैं इसका माप बता देती हूँ, ये चौड़ाई में कितना है, ये 15.5 इंच का है फैब्रिक, तो ये ठीक है क्योंकि मुझे 15 इंच का ही चाहिए। और लंबाई में भी मुझे जितना चाहिए ये उतना ही बन चुका है। तो आप देख सकते हैं ये कितना अच्छा लग रहा है। तो सबसे पहले अब हम क्या करेंगे, पहले इसे हम आयरन कर लेंगे अच्छे से, क्योंकि आयरन करना जरूरी है, नहीं तो ये जो ऊपर नीचे ऐसे है तो इसका जो सिलाई है ये अच्छे से बिठा हुआ नहीं है, इसीलिए हमें इस पे अच्छे से ऐसे चाप के आयरन करना है ताकि ये अच्छे से बैठ जाए, इसकी जो सिलाई है ये अच्छे से बैठ जाए, फिर उसके बाद हम जैकेट का कटिंग करेंगे। तो फ्रेंड्स ये देख सकते हैं ये हमारा जैकेट जो है ये बिल्कुल कंप्लीट हो चुका है। और इसका कहीं तरफ से भी आपको सिलाई नजर नहीं आएगा क्योंकि ये इसके जो सारे सिलाई है ये सब अंडरग्राउंड है, आपको कहीं से भी एक सिलाई नजर नहीं आएगा क्योंकि ये 2-in-1 जैकेट है, आपको इसे किसी भी तरफ से आप पहन सकते हैं, इसलिए इसका सिलाई जो है ये सारे के सारे अंडरग्राउंड है। और यहाँ पे मैंने एक छोटा सा बटन लगाया है, ये बटन भी आप दो तरफ से यूज कर पाएंगे। और फ्रेंड्स मैंने इसका जो कटिंग और स्टिचिंग मैंने दिखाया नहीं क्योंकि अगर मैं ये सब दिखाती तो वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा हो जाता। तो अगर आप लोग कमेंट करके बताएंगे तो हाँ मैं आप लोगों के लिए एक अलग से कटिंग और स्टिचिंग का एक वीडियो मैं आप लोगों के लिए बनाऊंगी। और आप देख सकते हैं आप चाहे तो आप इस तरफ से भी पहन सकते हैं, देखिए यहाँ से भी ये कितना अच्छा, क्योंकि इसका कोई उल्टा साइड है ही नहीं, ये दोनों तरफ से आप पहन सकते हैं, ये ऐसा जैकेट है क्योंकि इसके कहीं से भी सिलाई नजर आपको नहीं आएगा। और लेकिन मैं तो इसे नहीं पहनना चाहूंगी फ्रेंड्स, क्योंकि मैंने जिस चीज के लिए इतना मेहनत किया है तो मैं तो इसे इसी तरफ से पहनूंगी क्योंकि ये मुझे बहुत अच्छा भी लग रहा है, क्योंकि ये जो मेहनत किया है मैंने, मुझे मतलब मैं बहुत खुश हूँ कि मेहनत एक अच्छी चीज बनने के बाद होता है ना, कि मेहनत फिर याद नहीं आता कि कितना मेहनत किया है। सो फ्रेंड्स अगर वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक शेयर कमेंट जरूर कीजिएगा, और अगर मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिएगा। थैंक यू।